हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुकैश। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने लगी है, तो इसमें आज हम जानेंगे भाई कालका शताब्दी एक्सप्रेस जर्नी। तो भाई काफी प्यारी है, क्यों इसमें इंडियंस कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रेन से बहुत ही प्यार करते हैं, यानी कि उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ इंडिया की ट्रेनें, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी लगती है, मुझे खुद अच्छी लगती है भाई। अच्छी क्यों नहीं लगेंगी? तो यार वीडियो को रीजन निक आप सब को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। ट्रेन नंबर 12012 कालका शताब्दी एक्सप्रेस जो कि हरियाणा के कालका को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन लॉन्च की गई थी इन ईयर 1994। जर्नी के दौरान आज हम लोग कवर करने वाले हैं 269 किलोमीटर 4 घंटे 5 मिनट समय में 65 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। भाई चिड़ियों की आवाज सुनना, पुरानी जो है ना आवाज आ रही, सुनना आप ध्यान से। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस ऊपर चिड़ियों देखो, मैंने जानवरों का कितना ख्याल रखते हैं, आवाज कितना ऊपर। हाँ, यानी कि टाइम मचे गुजर तो हो गए यहाँ, चेक करो स्टेशन कितना। तो इससे पहले हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में, लेकिन आज पहली बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं शताब्दी एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटिव क्लास कैसा होने वाला है। ये पूरी जर्नी हम लोग करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में शताब्दी एक्सप्रेस के, और आज हम लोगों का कोच है E2। चलिए आपको दिखाते हैं इंटीरियर वगैरह, और जर्नी के दौरान आज हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में और नॉर्मल एसी चेयर कार में फूड की क्वालिटी क्वांटिटी में क्या अंतर होता है, सारी चीजें बात पूछेंगे जर्नी के दौरान। चलो फिलहाल दिखाते हैं कोच और इंटीरियर, भाई साहब हमको वाकई में बहुत पसंद आया, चलो चलते अंदर। तो ये रहा अपना कोच E2, चलते हैं अंदर दिखाते हैं अंदर से। तो भाई बहुत प्यारी है यार अपनी एग्जीक्यूटिव क्लास का, इस इतनी पुरानी ट्रेन होने के बावजूद भी इतनी प्यारी। तो ये है फर्स्ट लुक, देखने में तो एकदम प्रीमियम। बाकी आज अपनी जो सीट है वो है 51 आइल साइड। तो अभी अपने सीट्स पर बैठ के देखा भाई साहब, इतनी कंफर्टेबल सीट्स है ना इस ट्रेन की, इस कोच की, मतलब शताब्दी में ये जो लगा हुआ है ना, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। भारत में बिल्कुल भी नहीं जितना ये एग्जीक्यूटिव लग रहा है कि हाँ किसी प्रीमियम क्लास में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी अभी ये सब तो ठीक है, बाकी फूड वगैरह सब जो है जर्नी के दौरान पता लगने वाला है कैसा क्या रहने वाला है सब कुछ। और ये चीज देख रहे हो यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह कितनी सही दी है, जबरदस्त एकदम प्रीमियम। बाकी एम्बियंस भाई साहब कोच का बहुत जबरदस्त है, शाइनिंग देख लो ऊपर की साइड सारी चीज। बाकी भाई है रीडिंग लाइट वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है, वो लाइटिंग भी है। 2x2 की जो है यहाँ पर सिटिंग रहती है, जबकि एसी चेयर कार में 3x2। काफी कमाल की ट्रेन, प्यारी है यार, नेक्स्ट प्यारी है। फुटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, वाटर होल्डर और साथ में चार्जिंग सॉकेट। और आज अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में लगा हुआ है वडोदरा शेड का WMP-7 लोकोमोटिव। तो अभी आ चुकी है नेताजी एक्सप्रेस कालका स्टेशन पे अपने निर्धारित समय से 14 घंटे 32 मिनट की देरी से। मौसम के हाल है अभी सुबह से ना, हाँ तो अपने बारिश का मौसम है, वो देख कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन से। सर्दियां है भाई उधर इंडिया में भी, इंडिया में भी ठंड है भाई। क्या खूबसूरत नजारा है यार, खूबसूरती तो भाई इंडिया में। डिपार्चर के जस्ट बाद ही हम लोगों को सर्व होती है आधे लीटर की पानी की बोतल एग्जीक्यूटिव क्लास में, लेकिन वो एक ग्लास के साथ। वहीं चेयर कार में पानी की बोतल तो सर्व होती है लेकिन बिना किसी ग्लास के। अब बारी है इवनिंग स्नैक्स की, एग्जीक्यूटिव क्लास की इवनिंग स्नैक्स आता है और एग्जीक्यूटिव क्लास की बिल्कुल। और चाय कॉफी का ऑप्शन, आलमंड्स और बिकानो का एक सोन केक, ये भाई दूसरी है जिसमें पहले बैठा हुआ था, और वहाँ के स्नैक्स में होता है और इसमें थोड़ा सा मिलता है और दूसरी में ज्यादा मिलता है का ऑप्शन। अब ट्रैवल तो कर रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव में, तो चलो वहीं का टेस्ट बताते हैं इवनिंग स्नैक्स का। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं समोसा कैसा है। वैसे हल्का हल्का गर्म है और पपड़ी से ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना फ्रेश नहीं है। टेस्ट तो समोसे का सही है बट इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है, गर्म है हल्का
ठीक है, काम चला सकते हैं। अब देखते हैं चीज सैंडविच का भी टेस्ट सही है और ये एकदम फ्रेश है तो ये बढ़िया है। और बाद ये साथ में जो है शुक्रगुजारों के देव है, देव है। पाकिस्तान में तो भाई एक बिस्किट तक नहीं देते, उधर इतना कुछ मिल रहा है भाई और कितनी खामोश है। ट्रैफिक कितनी है भाई इधर, वो ट्रैफिक कह रहा हूँ रश पब्लिक। से आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे चंडीगढ़ जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर अम्बाला रेलवे डिवीजन के। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था और टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी इस रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। और यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज मिल जाएंगी, जैसे कि वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और रिफ्रेशमेंट रूम, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स सभी। अच्छा, ये नहीं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है इसमें। 8 मिनट का स्टॉप है। ये फिर से बैठ के अगले स्टॉप पे समय से एक मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग अंबाला कैंट जंक्शन, जो कि हरियाणा स्टेट का बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर एक लोको शेड भी है जहाँ पर काफी बिजी है, लग भी रहा है ना, देखा जाता है, लेकिन माइनर मेंटेनेंस, मेजर मेंटेनेंस के लिए उनको भेजा जाता है शाहपुर बस्ती शेड, जो कि दिल्ली। यार काफी प्यारी ट्रेन थी, हाँ दोनों प्यारी थी यार, बहुत प्यारी थी। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि यार इनकी कितनी पुरानी ट्रेन है ना, और कितनी प्यारी अंदर से साफ सुथरी रखी हुई है, संभाल के रखी है, संभाल के क्या भाई। और आप सबसे पहले भाई शुक्र करो कि आप लोगों को इसमें खाना भी मिल रहा है। बात कर रहा था कि ये शुक्र करो कुछ मिल रहा है, हाँ। हमारे पास तो मैं कहता हूँ बस टिकट ली और गए और आ गए। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट आपने बोला। मैं कहता हूँ कि बंदा तरस जाता है, बंदे कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या रहा है, इनके स्टेशन में सब कुछ मिल जाता है, इनको खुद दिया जाता है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा दिया जा रहा है, कमाल की बात है यार। हाँ, इसमें बहुत कमाल की बात है और बहुत अच्छा लगा ये सफर। अच्छा तो भाई लगेगा, क्यों नहीं लगेगा इसमें। इनका मौसम कितना खूबसूरत, कितना सुहाना लग रहा था यार। मौसम की तो भाई बात ही ना करो ना, और इतनी पुरानी ट्रेन और इतनी खूबसूरत इन लोगों ने की हुई थी, और कुछ किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की बिल्कुल। तो यार आपको ये ट्रेन और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।